तो क्या अब ड्रैगन बॉल सुपर के आने वाले अगले चैप्टर में हमें वेजिटा की कोई नई पावर दिखने वाली है? क्या वेजिटा अब अपने अल्ट्रा ईगो के सेकंड स्टेट में जाने वाला है? क्या सिर्फ वेजिटा का ही अल्ट्रा ईगो गैस को हरा सकता है? क्या वेजिटा किसी नई ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा है जो कि टाइम स्किप हो सकता है? क्या एलेक की गैस के लिए मांगी हुई विश की पावर को सिर्फ वेजिटा ही सरपास कर सकता है? तो आज की ये वीडियो इन्हीं सब टॉपिक्स पर होने वाली है, तो इसलिए पूरी वीडियो देखना और बताना कि तुम्हें क्या लगता है, और साथ ही अपने प्रेडिक्शन और थ्योरीज भी कमेंट करके जरूर बताना, चाहे वो कैसी भी हो। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक भी कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब तो कर ही देना। तो अब आ जाते हैं वीडियो पे कि क्या वेजिटा गैस को हराने के लिए अपने अल्ट्रा ईगो की लिमिट्स को और आगे बढ़ाएगा? क्या वेजिटा अल्ट्रा ईगो की असली डिस्ट्रक्टिव पावर को जगा पाएगा? तो चैप्टर 84 में तुम सबने देख ही लिया होगा कि कैसे गोकू और वेजिटा पूरी तरह ठीक होके अपनी पूरी पावर्स के साथ अपने पावरफुल फॉर्म्स में गैस से लड़ते हैं, जहां गैस भी पूरे गुस्से में होता है और अकेला ही गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और वेजिटा के अल्ट्रा ईगो को बीट कर रहा होता है, और गैस वहां बड़े आराम से दोनों को हरा रहा होता है। और वहीं हमने चैप्टर के लास्ट में देखा था कि गोकू वेजिटा से दूर होता है और वेजिटा अकेला ही गैस के सामने होता है और लड़ाई को जीतने के लिए पूरा सीरियस और कॉन्फिडेंट होता है, जैसे कि उसने अपने अंदर कोई चीज छुपा रखी हो। और यही पॉइंट ये दिखाता है कि वेजिटा अब अपनी पावर्स को बढ़ाने वाला है या बढ़ा रहा है। शायद से वेजिटा यहाँ अभी भी अपनी पूरी पावर को नहीं निकाल रहा है, या अभी तक वो अपनी पावर्स को निकाल नहीं पा रहा था, लेकिन अब वो उन पावर्स को धीरे धीरे समझने लगा है। क्योंकि चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में हमें वेजिटा गैस से ये कहता हुआ दिखता है कि गैस, क्या तुम्हें एहसास हुआ है कि मैं ही यहाँ अकेला हूँ जो और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है? जैसा कि हमें चैप्टर में भी दिखता है, जहाँ लास्ट में ही एक सीन आता है जहाँ वेजिटा गैस के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है, जो कि गोकू भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में उस चैप्टर में नहीं कर पाया है। अब यहाँ ये तो साबित हो जाता है कि वेजिटा धीरे धीरे अपनी पावर्स को सीख रहा है और अपने लिमिट्स को तोड़ता हुआ ऊपर आ रहा है। और तुम्हें पता ही है कि वेजिटा अपने अल्ट्रा ईगो की ट्रेनिंग को आधा छोड़कर लड़ने के लिए आया था, और शायद से उसका अल्ट्रा ईगो का फॉर्म ग्रेनोला के सामने सबसे पहले निकला था, जिसका मतलब ये है कि वेजिटा अभी भी अपनी पावर्स को पूरी तरह से नहीं जानता है। लेकिन एक स्मार्ट फाइटर होने के नाते वो धीरे धीरे ही सही, लेकिन लड़ाई में अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस फॉर्म की पावर्स को सीख रहा है, जैसा कि अभी तक गैस और ग्रेनोला भी कर रहे थे। उन दोनों को ड्रैगन बॉल से पावर्स तो मिल गई थी, लेकिन उन्हें ड्रैगन बॉल से जो पावर्स मिली थी उन्हें उनकी आदत नहीं थी। वो दोनों गोकू और वेजिटा से लड़ते हुए ही अपना पावर्स का इस्तेमाल करना सीख रहे थे, और यहाँ वेजिटा भी शायद वैसा ही कुछ कर रहा है। और देखो, हम सबको पता है कि वेजिटा की जो अल्ट्रा ईगो की फॉर्म की पावर है वो बस एक छोटा सा झलक है, जो कि अगर एक तरह से कहा जाए तो वो बस उसकी पावर्स का एक शुरुआती हिस्सा है। क्योंकि तुम भी जानते हो, गोकू भी इसी तरह अभी बढ़ रहा है और वो अभी इतना कमजोर है कि वो बीरस के आसपास भी नहीं है। खैर, वो कोई और टॉपिक है, और क्या वेजिटा से ज्यादा गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पावरफुल है या नहीं, ये भी कोई और टॉपिक है जिस पर मैं बाद में बात करूंगा। अभी हमें इस पे बात करना है कि क्या वेजिटा अकेला ही गैस को हरा सकता है। तो अगर मैं कहूँ तो इसके होने के चांसेस 90% है, क्योंकि अभी तक यानी गैस के वापिस आने के बाद से गैस को जिसने चौंकाया है वो वेजिटा ही है। वेजिटा ने उसे एक ऐसा जोरदार पंच मारा है जो कि बहुत ज्यादा तेज था, जिसे गैस नहीं देख पाया था। और देखो, यहाँ मैं एक और सीन के बारे में बात करूँ तो जो कि चैप्टर 84 का सबसे अजीब सीन था, जो कि अभी तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो देखो, यहाँ इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा घायल गैस के सामने पड़ा होता है और गैस उसके ऊपर खड़ा होकर एक जानलेवा अटैक करने वाला होता ही है। कि यहाँ कुछ ऐसा होता है जिसे ना तो गैस समझ पाता है और ना गोकू, और ना ही हम लोगों को ये सीन चैप्टर में अभी दिखाया जाता है। शायद हमें एक्साइटेड करने के लिए उन्होंने ऐसा किया हो। तो देखो, यहाँ अब मेरी प्रेडिक्शन या थ्योरीज कह लो वो जारी होती है। तो देखो, यहाँ अब इस सीन में जैसे ही गैस वेजिटा पर अटैक करने वाला होता ही है कि तभी हमें चैप्टर में सीन काटते हुए गोकू को दिखाते हैं, जहाँ गोकू उस अटैक को संभालने के बाद जैसे ही वेजिटा को देखता है वो खुद चौंक जाता है, क्योंकि वेजिटा अभी तक गैस के आगे पड़ा था। लेकिन वहीं एकदम ही हमें वेजिटा को गोकू के पास दिखाया जाता है, जहाँ वेजिटा एक समय वहाँ बैठा हुआ होता है और वहीं तुरंत वो गायब होकर गैस के सामने आकर उसके फेस पर एक पंच मारता है, जिसे ना तो गोकू देख पाता है और ना ही गैस। वो दोनों एकदम चौंके हुए होते हैं, जहाँ गैस उस पंच को खाने के बाद वेजिटा से पूछता है कि ये कौन सी ट्रिक थी। तो देखो, अब मैं यहाँ तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ क्या हुआ है। तो देखो, जो ट्रिक वेजिटा ने अभी इस्तेमाल की है वो पक्का टाइम स्किप हो सकती है, जो कि खासकर हिट इस्तेमाल करता है, और उसी ट्रिक का इस्तेमाल अभी तक हमें गोकू और हिट को करता हुआ दिखाया गया था, और इस ट्रिक का इस्तेमाल अभी तक वेजिटा ने नहीं करा था। और मेरे ख्याल से तो शायद से ये ट्रिक मोरो आर्क में भी हमें इस्तेमाल होती हुई नहीं दिखाई गई थी, और ऐसी मजेदार पावर को न दिखाना तो बेवकूफी होगा। और
फाइटर मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं करना चाहेगा, क्योंकि तुम्हें भी पता है ये कितनी खतरनाक और मजेदार ट्रिक है। और हाँ, लास्ट बार इस ट्रिक को हमें शायद टूर्नामेंट ऑफ पावर में दिखाया गया था, और उससे पहले टूर्नामेंट ऑफ यूनिवर्स 6 वर्सेस यूनिवर्स 7 में, जहां गोकू और वेजिटा के खिलाफ हिट इस ट्रिक को इस्तेमाल करता है, जिसे वेजिटा समझ तो गया था लेकिन हिट से हारने के बाद। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि वेजिटा ऐसे ट्रिक को जानने के बाद, उस ट्रिक से हारने के बाद भी इस ट्रिक को समझेगा नहीं? क्या वो ऐसे ट्रिक को इस्तेमाल नहीं करना चाहेगा? तो देखो, यहाँ चैप्टर के इस सीन को देखते हुए तो ये लग ही रहा है कि वेजिटा ने यही ट्रिक का इस्तेमाल किया है, जिसे गैस समझ नहीं पाया है। और वो क्यों ये ट्रिक नहीं समझ पाया है वो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। तो देखो, ये ट्रिक एक ऐसी एबिलिटी हो सकती है जिससे शायद से गैस हार भी जाए। और वो क्यों? तो देखो, अब यहाँ हम ड्रैगन बॉल से विश मांगने वाली बात पर चलते हैं। तो अभी तक जो मुझे लगता है, चैप्टर को देखते हुए, चैप्टर के नामों को देखते हुए और एलेक की पिछले चैप्टर में कही हुई बातों को देखते हुए, तो शायद एलेक ने जो गैस के लिए ड्रैगन से विश मांगी थी वो शायद से ये हो सकती है कि अभी तक जितने भी इस यूनिवर्स में पावरफुल लोग या स्पीसीज है, उनसे ज्यादा पावरफुल गैस को बना दो। जो कि अभी पिछले चैप्टर में हमें एलेक ये बोलता हुआ दिखा भी था कि ये सब मेरे विश मांगने के बाद ही इस फॉर्म में गए थे, तो गैस ही अभी इन सबसे ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अभी ये बात आती है कि फिर टाइम स्किप की जो टेक्निक है वो गैस पर कैसे नहीं है और वो उस पर काम क्यों नहीं कर सकती है? तो यहाँ इसका सीधा जवाब है कि इस ट्रिक का सबसे सही इस्तेमाल करने वाला हिट है जो कि किसी और यूनिवर्स का है, जिससे ये पावर किसी और यूनिवर्स की हो जाती है। लेकिन अभी यहाँ कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि गोकू ने भी तो टाइम स्किप का इस्तेमाल किया था। तो देखो, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो जो गोकू करता है वो पूरी तरह से टाइम स्किप नहीं है। वो तुम पहले के एपिसोड्स में देख के जान जाओगे कि गोकू जो करता है वो हिट को खुद को मारने देता है, जिससे वो जान जाए कि हिट कहाँ है, और उसी का वो फायदा उठा के गोकू अपने कायोकैन की स्पीड से उस पे तभी अटैक करता है। लेकिन अब जो शायद वेजिटा कर रहा है वो हिट वाला ही टाइम स्किप है, जो कि वेजिटा अभी वही इस्तेमाल करना सीखा होगा, या पहले भी अगर सीखा होगा तो वो शायद पहली बार यही इस्तेमाल कर रहा होगा, जिससे ये एबिलिटी, ये पावर गैस के पास नहीं गई होगी। और शायद से ये भी हो सकता है कि वेजिटा अपनी पावर्स को आगे जाके और ज्यादा बढ़ा ले, जिससे वो गैस की अभी की पावर से ऊपर निकल जाए, जिससे वो एलेक के कहे मुताबिक गैस से पावरफुल हो सकता है और उसे हरा सकता है। अब देखो, यहाँ मैं अपनी एक बात को काटना चाहूंगा, ये एक और प्रेडिक्शन देना चाहूंगा कि गैस तो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर नहीं हो सकता है, क्योंकि ओरेकल फिश ने उसे नहीं पहचाना था, जिसका सीधा मतलब ये बनता है कि गैस स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर नहीं है। तो अब एलेक ही है जो ड्रैगन की विश को जानता है, और अब शायद से ये विश ये हो सकती है कि उसने ड्रैगन से कहा होगा कि तुम मेरे बाद गैस को इस यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनाना, जिससे ये हुआ होगा कि एलेक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है और गैस उसके बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, जिससे वो गोकू, वेजिटा और ग्रेनोला से भी पावरफुल बन जाता है। अब ये कोई और टॉपिक है जिसपे मैं किसी और वीडियो में डिटेल से बात करूंगा। और क्या गोकू, वेजिटा के हारने के बाद अभी कोई अपनी पावर्स को जगाएगा, उस पर भी मैं जरूर बात करूंगा, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि अभी तक हमें गोकू पे फोकस कराया जा रहा था, तो वो एकदम ही तो उसे गायब तो नहीं कर सकते हैं। तो शायद आगे पक्का कुछ ना कुछ होगा जिस पर मैं वीडियो लाऊंगा। और क्या गैस को हराने वाला गोजिटा हो सकता है? मैं इस पे भी जल्द ही वीडियो लाऊंगा। और इसके अलावा भी मेरे पास अभी बहुत से टॉपिक है जिस पर मैं वीडियो जरूर लाऊंगा। तो अब यहाँ तुम्हारी क्या प्रेडिक्शन है, क्या थ्योरीज है, तुम मुझे कमेंट करके तो जरूर बताना, और मेरी इस वीडियो के लिए प्लीज एक लाइक तो कर ही देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे की जो मस्त मस्त वीडियो आने वाली है तुम वो पहले देख लो। और सपोर्ट के लिए प्लीज इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो तो कर लेना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि ड्रैगन बॉल क्रिएटर्स के साथ क्या होता है, तो प्लीज इंस्टा पे तो फॉलो कर लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।